बच्चों आज अपन जो पुराने में सरल आवर्त गति कर रहे थे उसी सरल आवर्त गति यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैंने आपको दो चीजें बताई थी। नंबर वन, एक आपको विस्थापन y समझाया था और विस्थापन y बराबर आया था a साइन ओमेगा t, और दूसरा हमारे पास क्या आया था, वेग। ठीक है, वेग v को मैंने काय से शो किया था, डिफरेंशिएट करके यहां पर a ओमेगा cos ओमेगा टी यहां पर मैंने यहां एक्सप्लेन किया हुआ था। अब विद्यार्थियों ध्यान रखो, मैं यहां पर तीसरी चीज जो दिखा रहा हूं वो है आपका त्वरण, और यहां पर मैं आवर्त काल टी को मैं यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारे पास वही है। कॉन्सेप्ट यह है कि वस्तु यहां पर वृत्ताकार मार्ग में घूम रही है और यहां पर मैंने किसी टाइम टी पर एक बिंदु पी लिया और यहां पर वस्तु मान लीजिए यहां से यहां तक पहुंचने में लगा हुआ टाइम और ये कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है, तो मैं यहां पर लंब डालता हूं, ये लंब m के बराबर होता है, ये थीटा, थीटा इक्वल टू ओमेगा t, ये हो गया ओमेगा t के बराबर, ये विस्थापन y आया था। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर पार्टिकल P यहां पर वृत्ताकार मार्ग में घूमेगा तो इसका कोण m यहां पर सरल रेखा आवेगमिकी में एक सरल आवर्त गति करेगा, तो यहां पर मेरे पास वस्तु बार 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 यहां पर अपनी माध्य स्थिति की ओर एक निश्चित समय अंतराल में घूम रही है, तो मेरे पास यहां पर मैंने ट्रायंगल लेकर ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ पी एम में y इक्वल टू क्या कैलकुलेट किया था, इसका विस्थापन a, ये a इसका आयाम बोल दीजिए या त्रिज्या बोल दीजिए, साइन ओमेगा t कैलकुलेट किया था, फिर मैंने यहां पर आपके सामने वेग निकाला था, और वेग निकालने का क्या तरीका था हमारे पास, अगर मैं यहां पर y इक्वल टू a साइन ओमेगा t लेकर चलता हूं तो वेग v बराबर dy अपॉन dt इक्वल टू t अपॉन dt a साइन ओमेगा टी लेकर चलता हूं। ए इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड या आयाम या अधिकतम विस्थापन कहलाता है। ए मेरे पास एक अचर राशि होती है, मैंने यहां पर इसका डिफरेंशिएट किया डी अपॉन डी टी, ये आ गया आपके पास साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस ओमेगा टी, ओमेगा इज अ कॉन्स्टेंट, तो ये मेरे पास आएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इतनी कंडीशन मैंने वेग के लिए निकाली थी, और इसमें एक कॉन्सेप्ट और आपको बता दिया था कि अगर मैं इसको साइन के टर्म में कैलकुलेट करूं तो ए ओमेगा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा। साइन ओमेगा टी कितने के इक्वल होता है, वाई अपॉन ए, तो मैं इसकी वैल्यू रख दूं, ए ओमेगा
अंडर रूट वन माइनस दिस साइन ओमेगा टी इक्वल टू वाई अपॉन ए, तो दिस इक्वल टू वाई अपॉन ए होल स्क्वायर, दिस ए स्क्वायर कम्स हियर इज अ कॉमन, ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मेरे पास यहाँ पर वेग निकला था। ठीक है, इसी को कंटिन्यू में करते हुए आपको त्वरण निकाल रहा हूँ। तो देखिए हमारे लिए त्वरण कैसा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता है। तो देखिए हमारे पास, मैं यहाँ पर त्वरण को लेकर चलता हूँ, इस यूनिट में त्वरण को मैं एफ से शो कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने आयाम को ए से शो किया है, इसलिए त्वरण को मैं थोड़ा सा चेंज करके एफ से शो कर रहा हूँ। चूंकि वेग वी बराबर ए कॉस ए साइन, या इसको मैं और करेक्शन कर लूँ, ये मेरे पास वेग v बराबर a ओमेगा cos ओमेगा t आया था। देखिए मैंने अभी आपको प्रूफ कराया था a ओमेगा cos ओमेगा t, इसी को कंटिन्यू में लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, नाउ आई एम डिफरेंशिएटिंग अगेन, तो v विल गेट यर त्वरण दैट इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। अगर हम वेग का पुनः डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है, क्योंकि त्वरण बराबर प्रति सेकेंड वेग में परिवर्तन होता है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? डी अपॉन डी टी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये आ गया त्वरण एफ बराबर ए ओमेगा कॉन्स्टेंट डी अपॉन डी टी इंटू कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा डी का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन ओमेगा टी, एंड ओमेगा इज अ कॉन्स्टेंट, तो वी कैन राइट हियर दिस इक्वल टू ए ओमेगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये मेरे पास कंडीशन आएगी। और सॉल्व कर लीजिए इसको, तो माइनस यहाँ आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी की वैल्यू के इक्वल आ जाता है। ठीक है, नाउ वी कैन रीअरेंज इट। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको रीअरेंज कर ले सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर एफ इक्वल टू, ये कितना जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं क्या कर दूं, ए साइन ओमेगा टी कर देता हूँ। और आपको मालूम है ये होल टर्म कितने के इक्वल है? वाई के इक्वल है। ठीक है, जो हमारे पास कैसी थी? विस्थापन के मान के बराबर थी। तो एफ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था, ओमेगा मेरे पास कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, तो ओमेगा इज अ कांस्टेंट, देयरफॉर एफ समानुपाती माइनस वाई। और इसी को मैंने ये बताया था, दिस इज द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, यह सरल आवर्त गति के लिए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होता है, क्योंकि मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया था त्वरण विस्थापन के समानुपाती लेकिन विपरीत दिशा में होता है। तो यहाँ पर आप देखिए त्वरण ये आ गया, समानुपाती ये आ गया, माइनस y कैसा हो गया? विस्थापन हो गया। तो त्वरण विस्थापन के समानुपाती लेकिन विपरीत दिशा में होता है, हम इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, अब इसी में अगर ये पार्टिकल सरल आवर्त गति कर रहा है, तो मैं यहाँ पर इसका आवर्त काल कैलकुलेट कर लेता हूँ।
तो देखिए आवर्तकाल ये हो जाता कैपिटल टी। इसको मैं यहाँ पर डिफाइन करूं तो ये मेरे पास यहाँ पर ऐसा डिफाइन होता है, यदि वस्तु अपनी माध्य स्थिति के माध्य स्थिति का मतलब क्या हो गया, बीच की पोजीशन। जैसे आप पेंडुलम ले लो और वो इधर 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 मूव करता है तो ये माध्य स्थिति कहलाती है। यदि वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त गति कर रही है तो एक पूर्ण दोलन में लगा समय आवर्त काल टी कहलाता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त गति करती है तो एक दोलन में लगा हुआ समय आपके पास क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। तो देखिए मेरे पास क्या हो गया, अब भी अपन ने त्वरण f बराबर लिया था माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस को हटा दीजिए तो और ओमेगा निकालिए तो ओमेगा कितने के इक्वल हो जाता है, अंडर रूट f अपॉन वाई के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ओमेगा मेरे पास कितने के इक्वल होता है, ओमेगा एक कंप्लीट साइकिल में लगा हुए समय के लिए हम कोणीय वेग लेके चले तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाता है, 2π/T। इसलिए मेरे पास ओमेगा इक्वल टू यहाँ पर कितना आ रहा था, यहाँ पर मैंने वो तो देखे ये लिया हुआ है f/y। f का मतलब क्या होता है, त्वरण, और y का मतलब क्या होता है, कण का अपनी माध्य स्थिति से विस्थापन। तो ये हो गया विस्थापन, ओमेगा इक्वल टू 2π/T बराबर किया जाएगा त्वरण बटे विस्थापन, ये आ जाता है। ठीक है, विस्थापन देयरफॉर टी इज इक्वल टू 2π, ये हो गया 2π, यहाँ चला गया, इसको आप ऊपर लेके आएंगे तो ये बदल जाएगा, ये हो जाता है विस्थापन बटे त्वरण। ठीक, तो मेरे पास किसी भी वस्तु का जो सरल आवर्त गति होती है या करती है उसका एक कंप्लीट साइकिल में दोलन निकालने का जो आवर्तकाल आता है वो टी इज इक्वल टू 2π/√ विस्थापन बटे त्वरण होता है। इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसको सारे बच्चे नोट कर लेंगे।